हेलो फ्रेंड्स, कुसुम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पालक की सब्जी बनाने बता रही हूँ। ये देखिए पालक है, ये हमने ये देखिए पालक ले लिया है, ये पालक, और ये बैंगन ले लिए हैं, और आलू। तो आलू, पालक और बैंगन की सब्जी आज हम बताएंगे आपको बनाने। पहले हम ये आज हम पालक जो है वो सरसों के तेल में बनाएंगे। देखिए हमने कम से कम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। हमारे यहाँ तो आपको पता है सरसों के तेल में ही सब्जी बनती है, मैं आपको बराबर बताती हूँ। हाँ, मैं बताती रहती हूँ आपको। और ये देखिए अभी तेल थोड़ा सा, वैसे आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल आप जो यूज करते हो वो डाल सकते हैं, वो ये नहीं है। लेकिन पालक साग वगैरह जो है ये मतलब सरसों के तेल में बहुत अच्छा फ्लेवर इसका, थोड़ा सरसों का तेल आपको पता है कि बहुत ही स्मोकिंग इसका वो रहता है। और ये देखिए अब हम ये कटा लहसुन डाल रहे हैं। कटा लहसुन जैसे वो छील के लेते हैं तो 8 से 10 कली लहसुन रहे, क्योंकि लहसुन इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। लहसुन और हरा मिर्च, हरी मिर्च नहीं है, अगर अगर आपके पास सूखी मिर्च है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसे हरा साग है तो हरी मिर्च रहे तो अच्छा है। अब देखिए हमें लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, क्योंकि साग वगैरह जो है लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा फायदेमंद होता है। पालक में वैसे भी आयरन है, लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो और फायदा है इसका। और ये देखिए हमने ये हरी मिर्च कट करके लिया है, ये हम 3 हरी मिर्च लिए हैं, ये 1/2 किलो पालक का हमारा। अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप 1-2 हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं, उसे इतना ठीक है। इसमें हम जीरा वगैरह नहीं डालते, क्योंकि साग में थोड़ा सा जीरा वगैरह का कोई ज्यादा वो नहीं है। थोड़ी सी हींग डालेंगे क्योंकि गैस बनता है, तो वो अभी हम जब बैगन आलू डालेंगे तब हींग डालते हैं, क्योंकि नहीं तो हींग जो है जल जाती है। ये देखिए हम ये 2 आलू मीडियम साइज कर लिए हैं, बड़े बड़े टुकड़े में इसको काटिएगा क्योंकि ये गल जाता है पालक के साथ। तो ये थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, तो इसमें आप चाटा बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा मीडियम आंच रखेंगे। और देखिए ये बड़े बड़े टुकड़े में हमने आलू काटा है। वैसे आप बता दूँ ये कि हमारे यहाँ लोग बहुत काफ़ी लोग छिलका नहीं भी निकालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो ज़्यादा लाल वाला आलू मिलता है। हाँ, तो उसका वो जो है बहुत मतलब अच्छा मानते हैं लाल वाला आलू जो है खाने में, उसका छिलका इतना मोटा नहीं होता, तो उसको छिलके के साथ ही साग वगैरह में छिलके के साथ ही बनाते हैं। पालक वगैरह में तो ज़्यादा छिलका निकालते ही नहीं है, छिलके के साथ ही ऐसे 4 टुकड़े में मीडियम आलू रहेगा तो 4 टुकड़े में ऐसे कट करके और उसे बड़े तेल में भून लेते हैं, क्योंकि जब हम ये पालक डाल देंगे तो पालक के साथ जो है मतलब पानी छोड़ेगा तो ये आलू भुनाता नहीं है, तो फिर वो खाने में थोड़ा कच्चा टेस्ट आता है आलू का, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम थोड़ा पहले आलू जो है देखिए हल्का सा भुनना ही चालू हो गया है। इसके बाद हम और ये साग तो ठंडी में हमारे यहाँ बहुत बनती है, तो ठंडी में देखिए इसमें सोवा, अभी तो हमको सोवा नहीं मिला, हम बहुत खोजे मार्केट में तो सोवा नहीं मिला, नहीं तो इसमें जितना पालक ही इसका 1/2 हम सोवा कम से कम डालते हैं। देखिए अब ये आलू हमारा भुन गया है, इसको हम खोल के ही भून रहे हैं। अब हम ये बैगन डाल रहे हैं, ये देखिए बैगन आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी बैगन आपके पास हो। और इसे तो बहुत सारी सब्जियां भी डाली जाती है, जैसे गाजर है, ठंडी के दिन में हम गाजर इसमें डाल देते हैं, मटर है, गाजर है। आज हम खाली आलू बैगन और पालक का बना रहे हैं, तो वह हमको मिला नहीं आलू बैगन पालक। और ये देखिए हम 3 टमाटर छोटा छोटा था तो 3 टमाटर, और ये देसी टमाटर है, ये जो है ये देसी टमाटर है, इसको हम कट करके ले लिए हैं, ये हम बाद में डालेंगे। अभी हमें थोड़ा भून के फिर इसमें हम पालक डालेंगे। अभी अब हम इसमें थोड़ा सा देखिए थोड़ी सी हींग, जरा सा थोड़ी सी हींग इसमें, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि हींग जो है वो डाइजेशन के लिए अच्छा है, इससे गैस वगैरह नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत लोगों को है कि साग से भी गैस बनता है, इसलिए हींग जरूर डालें। देखिए हम लोग इस तरह से करते हैं,
अभी आलू ये भून जाएगा आलू और बैंगन, तो हम ये पालक इसमें डाल देंगे। सोया रहता तो बहुत अच्छा महक आती है इससे, सोए से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अभी आज हमको नहीं मिला क्योंकि सीजन नहीं है, थोड़ा अभी गर्मी चल रही है ना, तो साग अगर अच्छे मिल नहीं रहे हैं। देखिए बैंगन डालें, अभी बैंगन ये थोड़ा सा भूनना चालू हो गया, देखते हैं इसमें। देखिए हल्का हल्का बैंगन का जो स्किन है वो थोड़ा सा लाल होना चालू हो गया है। इसी तरह से भून के, ये जो हमारा एक कांटे वाला बैंगन था जो सफ़ेद है, जिसका भरवा बनाते हैं, जिसमें हम वो मूँगफली वगैरह घर के जो मसाले वाला भरवा बनता है, वो बैंगन है ये हमारा। अब इसी के साथ हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला वगैरह भी डाल देंगे इसमें, क्योंकि देखिए अगर बाद में डालेंगे तो फिर वो पालक जो है पानी भुनेगा नहीं मसाला। तो ये देखिए थोड़ी सी हम हल्दी डाल दिए, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, देखिए थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, आप आधा चम्मच से भी कम डालिएगा छोटे चम्मच से, और ये थोड़ा सा ये धनिया पाउडर होगा, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, ये हम डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा भून लेंगे, आँच कम कर देंगे नहीं तो मसाला जलने लगेगा। इसको हल्का सा थोड़ा सा चला के, और फिर हम इसमें साग डाल देंगे अपना पालक वाला। जब पालक का साग डाल देंगे तब वो पानी छोड़ने लगता है पालक। अभी देखिए हम इसमें साग डाल देते हैं, थोड़ा सा मसाला डालने से झाग भी आ रही है, तो वो धीमा आंच करके ही मसाला डाल के थोड़ा सा चलाइएगा। आप लोग बनाइए, ये साग बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है ये, और अगर सोया मिले तो जरूर लीजिएगा, पूछ के जहाँ से आप पालक लेंगे अगर सोया भी थोड़ा मिल जाए तो डाल दीजिएगा इसमें, बहुत अच्छा लगता है ये। ये देखिए अब हम पालक डाल दिए, अभी पालक ये पानी छोड़ेगा, ये डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको वही 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये कढ़ाई हमारी छोटी है, लेकिन ये ढकने के बाद जो है जब पानी छोड़ेगा तो पालक जो है वो कम हो जाएगा, ये इसी कढ़ाई में बन जाएगी हमारी। तो देखिए हम नॉन स्टिक वाली कढ़ाई नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग गांव में हमारी माँ वगैरह लोग बोलती थी कि पेट के लिए बहुत नुकसान करता है, उसमें मत बनाया करो, तो हमने नहीं लिया था, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं, पड़ी रह गई इसी तरह से। तो हम देखिए लोहे की कढ़ाई हम बना रहे हैं, अब देखिए हम इसको ढक दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसको 3-4 मिनट बाद इसको खोलेंगे, खोल के फिर दिखाएंगे आपको चला के। ये देखिए अभी हम ये 2-3 मिनट के बाद खोले हैं सब्जी, तो देखिए पालक जो है ये मुरझा गया है, एकदम बैठ गया है नीचे, हमको तो लग रहा था कि शायद कढ़ाई हमारी छोटी ना पड़ जाए, लेकिन नहीं बैठ गया, अंदाज था कि ये तो पानी छोड़ेगा और गलेगा। ये देखिए, और साग आप लोग हमेशा लोहे के ही कढ़ाई में बनाइए, हम तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोहे के ही कढ़ाई में साग बनाइए, क्योंकि इसमें देखिए आयरन भी मिलता है, इससे पालक में तो आयरन होता है, लोहे कढ़ाई में बनाने से और भी फायदा है, और इसे जिसको अनीमिया वगैरह का, जिसके मतलब ब्लड कम होता है, उसके लिए भी बहुत फायदा है, क्योंकि इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और उसे फिर जो है आपका ब्लड जो है वो बढ़ेगा बनेगा, जितना आप आयरन लेंगे खाएंगे साग वगैरह के साथ में, ये चीजें खाएंगे साग की चीजें, और वो भी लोहे की कढ़ाई में बना के, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इसका। ये देखिए अब जो है हम ये टमाटर डाल दे रहे हैं इसमें, आपको बताया था ना छोटे साइज का 3 टमाटर था हमारे पास देसी टमाटर, और ये जो है अब हम ये थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, देखिए क्योंकि ये ताकि गल जाए इसमें,
बस, क्योंकि ये गल के थोड़ी हो जाएगी सब्जी, कम हो जाएगी ये, मतलब आधी रह जाएगी लगभग, समझ लीजिए। हम मिक्स कर दे रहे हैं, देखिए ठंडी में बनाते तो इसमें मटर रहता है वो डाल देते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और सोवा तो हम आपको बताएं कि सोवा अगर पालक ले रहे हैं, सोवा अगर दिख रहा है तो जरूर खरीदें, क्योंकि सोवा के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, सोवा डाल के तो सब्जी बहुत टेस्ट आती है, इसमें सोवा का स्वाद को दुगुना कर देता है पालक के स्वाद को। और ये देखिए अभी हम फिर से इसको ढक दिए हैं, अब फिर हम दो तीन मिनट बाद इसको दिखाते हैं आपको, खोलेंगे तब तक थोड़ी टमाटर भी गलने लगेगा। ये देखिए अभी मैं ये सब्जी को, 3 मिनट हो गया है तो अब मैं ये देखिए सब्जी खोल के फिर से साग को चला रही हूँ। अब आप देखेंगे कि टमाटर भी जो है ये लगभग गल गया है, इसको हम ज्यादा मैश नहीं करेंगे, नहीं तो आलू जो है इसमें थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ज्यादा इसको नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ताकि मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। बहुत लोग जैसे बहुत चला देती है इसको, ऐसे एकदम फोड़ देती है तो वो पालक में एकदम मिक्स, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी स्वाद उसका लगता है। ये देखिए अब ये जो है, अब ये बैगन भी फूट गया है। अब ये देखिए ये टमाटर जो हम देसी टमाटर डाले थे तो ये गल गया है, क्योंकि इसका छिलका बहुत पतला होता है। अब देखिए टमाटर जो है, ये देखिए ये हाईब्रिड वाला टमाटर है ये जो है, तो ये थोड़ा लंबा रहता है ये, और ये जो है ये देसी टमाटर है, तो ये देसी टमाटर में एक तो ये ढेपी लगी रहती है, ये निकलता नहीं है ज्यादातर, और देखने में भी ये चौड़ा गोल साइज का रहता है ये, और ये थोड़ा लंबा रहता है। तो ये दोनों टमाटर जो है, तो आप देखिए इसको अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में तो ये आपके पहचान में ये आ जाएगा कि देखिए ये जो है ये हाईब्रिड वाला है और ये देसी टमाटर है, तो आप देख के लीजिए, ज्यादातर सोचिए कि देसी ही ले टमाटर तो अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है इसमें मतलब खटास भी बहुत ज्यादा होती है, खाने में बहुत अच्छा होता है और विटामिन सी इसमें ज्यादा रहता है। और ये जो है ये ग्रेवी वगैरह के लिए ये टमाटर अच्छा है, क्योंकि खट्टा कम होता है ये, जैसे आप हाईब्रिड वाला है, लेकिन देसी टमाटर में ये चाहे बड़ा हो या छोटा हो लेकिन ये टमाटर खाने में भी बहुत थोड़ा सा बहुत खट्टापन इसका मतलब ज्यादा अच्छा लगता है, स्वाद ही अलग होता है दोनों टमाटर का अलग अलग। ज्यादातर आप सोचिए कि मतलब हाईब्रिड वाला अवॉइड करिए और ये देसी टमाटर ही लेके आइए, और जहां पे आप हाईब्रिड वाला 4 डालना है वहां देसी टमाटर आप 2 डालेंगे तो बस हो जाएगा काम, मतलब उतना ही उसका वो मिल जाएगा खटास जो है, और आप 4-5 डालेंगे तो भी उतना काम नहीं बनेगा आपका। ये देखिए अब साग हमारा थोड़ा सा, अब इसको खोल के हम इसको थोड़ा पानी इसका सुखा देंगे, और ये देखिए हो गया हमारा साग लगभग, थोड़ा सा इसमें कसर और रह गया है, बैगन भी मिक्स हो गया है। तो थोड़ा देर हम खोल के ही रखेंगे बस हो जाएगा। अब ये खाली इसका पानी सुखा रहे हैं, साग तो पक गया है ये पूरी तरह से, बस खाली पानी। देखिए टमाटर भी एकदम गल गया है, बैगन भी गल गया है, और ये देखिए आलू भी हमारा हो गया है। ये देखिए आलू भी फूट जाता है इसको दबाने से, ऐसे देख लीजिए दबा के फूट जा रहा है। और चावल वगैरह के साथ अगर खाना है तो इसका ये ग्रेवी भी मतलब खराब नहीं है, अच्छा लगता है खाने में। जैसे आपको रोटी से नहीं खाना है, अगर चावल से खाना है तो इतना निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं है दिक्कत। थोड़ा सा आँच हल्का सा तेज कर दीजिए तो ये और जल्दी सूख जाएगा। बस इसको पूरी से साग में देखिए फाइबर बहुत होता है, इसके लिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए आप लोग साग बनाइए जरूर। अभी देखिए गर्मी का सीजन चला है तो थोड़ा साग वगैरह उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी जब ठंडी आ जाएगी तब हम आपको अलग अलग तरह से बना के बताएंगे। और ये साग की जो पालक की सब्जी है ये तो हमारे यहाँ यूपी में किसी भी प्रोग्राम में ये साग एक जरूर रखते हैं, ये पालक की सब्जी, तो उसमें जो है ठंडी में जब बनाएंगे तो उसमें सोवा, पालक, मटर और लाल वाला जो कद्दू होता है, गाजर, कॉर्न, ये सब मतलब डाल के और मिक्स करके इतनी अच्छी साग बनती है
ये अब हम आपसे क्या बताएं, बहुत बढ़िया साग बनता है वो, तो जब आप खाएंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए सबके साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको और क्या देखना है और कैसा बना है, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ताकि हमको अगर कोई गलती रहे तो हम उसको सुधार सकें आगे। बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा जरूर, बेल, ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे, जो भी हम बनाए वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको आए मिले। इसलिए आप जो है शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, सपोर्ट करिए और जो भी कमेंट हो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि क्या है, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया वो भी लिखिएगा आप। अरे देखिए अब ये लगभग साग जो है लगभग तैयार हो गया है, ऐसे ही आप 2 मिनट खाली ऐसे चला देंगे इधर थोड़ा सा, 2 मिनट खाली बस ये हो जाएगा, अभी पक गया है क्योंकि ये साग है तो थोड़ा सा पानी तो उसमें एकदम ज्यादा भूनना भी मतलब एकदम भून दिए वो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है इसलिए 2 मिनट और पका दीजिए बस, थोड़ा सा भून देंगे तो सूख जाएगा, क्योंकि अगर आपको टिफिन वगैरह में ले जाना है तो थोड़ा सा वो ठंडा होने के बाद जैसे पानी एक साइड निकल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। गर्मी में तो साग वगैरह कम ही मिलता है, चौलाई भी एक आती है देखिए हरी वाली लाल वाली, वो भी आप लोग लाइए खाइए, वो भी आए उसमें भी बहुत ज्यादा आयरन होता है लाल वाली चौलाई में, वो तो खून ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, जिसको अनीमिया वगैरह है, जिसको ब्लड कम है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम और सुखा देंगे उसके बाद बंद कर देंगे, ये सब्जी आपकी तैयार हो गई है। ये चावल के साथ भी इसमें चावल में घी डाल के बनाइए प्लेन चावल और इसके साथ खाइए, खा के बताइएगा आपको कैसा लगा। खाने के लिए तो पहले आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए बनाइए खाइए और कमेंट करके बताइए हमको ये साग कैसा लगा आपको। देखिए हमारे यूपी में ऐसे ही बनाते हैं, अगर मसाला आपको नहीं डालना है नहीं पसंद है तो आप प्लेन खाली नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मतलब टेस्ट उतना ही रहेगा, बस थोड़ा मसाला क्योंकि बैगन वगैन डाले हैं तो इसके लिए थोड़ा सा मसाला डाल दिए हैं, अच्छा लगता है थोड़ा चटक हो जाता है खाने में, ये तो बहुत लोगों को नहीं पसंद है तो नहीं भी, जैसे जिसको सादा खाना मसाला नहीं खाना है तो मत डालिए, सिर्फ नमक डाल दीजिए बस। देखिए अब ये सब्जी तैयार हो गई है, अब हम बंद कर देंगे इसको, फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, आपसे मिलते हैं। अब ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है, अब हम ये बंद कर रहे हैं, नमस्कार।